दोस्तों, मैं हूं डोनट गेमर एंड आप देख रहे हैं सबसे अच्छा एंड्रॉइड के लिए फोटो एडिटिंग ऐप। तो फिर अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो फिर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। तो फिर मैं आपको इसमें दो एक ऐसे ऐप बताऊंगा एंड्रॉइड के लिए जो फोटो एडिटिंग में सबसे अच्छे माने जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ऐप ऐसे। सबसे पहला ऐप है एडोब फोटोशॉप फिक्स। तो फिर मैंने उस ऐप को खोला। ये एंड्रॉइड के लिए बहुत अच्छा ऐप माना जाता है। अब मैं इसमें जाता हूँ, मैं प्लस करता हूँ कैमरे से। चलिए, ये मैंने इसकी फोटो खींच ली। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। मैंने इसे सेव किया, हीलिंग में गया और अब मुझे जैसे कि इसने उसको हटा देना है। तो फिर मैं स्क्रीन को बंद करता हूँ और फिर थोड़ा सा वेट करते हैं। और ये देखिए, ये यहाँ से पूरी तरह से जा चुका है। ये ऐड कहाँ से आ रहे हैं और मैंने देखिए यहाँ से वो पूरा पूरा चला गया। मैंने ये टिक कर दिया और यहाँ पर ये बन गई है। तो फिर इस ऐप का बहुत अच्छा काम। और अब मैं आपको दूसरा ऐप दिखाता हूँ जिसका नाम है फोटोशॉप मिक्स। तो फिर मैंने इस ऐप को खोला एडोब फोटोशॉप मिक्स को। ये ऐप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसमें कई तरह के हम काम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डिवाइस में जाता हूँ और फिर इसके बाद यहाँ पर मैं इमेजेस फिर मैं कैमरे में जाता हूँ और यहाँ पर मैं अपनी एक अच्छी सी फोटो निकालता हूँ। ये मैंने निकाल ली। अब इसके बाद मैं इसे कट आउट करता हूँ। जैसे कि मुझे अपने बनियान का कलर चेंज करना है तो यहाँ पर मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ अच्छे तरीके से। ये क्रॉप हो गई है। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ। अब मैं फिर से यही वाली फोटो लेता हूँ। आप इस ट्रिक से अच्छी अच्छी फोटो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने फिर से यही वाली फोटो ले ली। मैं इसको ऊपर कर देता हूँ और जिस रंग का मुझे अपना कपड़ा करना है उस वाली फोटो को मैं ले रहा हूँ। और यहाँ से मैं ले लिया। अब इसके बाद अपनी बनियान वाली फोटो को ऊपर कर देता हूँ क्योंकि मुझे दिखाई दे कि कहाँ पर क्या है और मैं अच्छे तरीके से इसको एडिट कर पाऊँ। यहाँ मैंने इसको अच्छे से लाया और मैं हल्का हल्का सा ज़ूम किया और ये परफेक्ट है। अब इसके बाद मैं इस फोटो को इसमें ले जाता हूँ, कॉपी मास्क ऑन लेयर करता हूँ। अब मैं इसको ब्लेंड करता हूँ और फिर मैं बनियान वाली फोटो लेता हूँ। और जब मैंने ये लगाया, ओह ये मेरी बनियान का कलर अच्छे तरीके से चेंज हो चुका है और ये एक तिरंगा की तरह बन चुका है। तो फिर ये फोटो मेरी क्रिएट हो गई। अब मैं इसमें शेप को गैलरी कर देता हूँ और ये प्रिपेयर इमेजेस रिजल्ट सेव और ये रही फोटो सेव। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिए और अगर आप अभी तक हमको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आपको दूसरे दोस्तों को भी दिखाना है कि ये एक ऐसा ऐप है तो फिर इसको शेयर ज़रूर करिए। तो फिर कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हैं कि आपको किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए।